हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम सीताराम सबको। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है फूल लगाने का। ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तो क्या बोलते हैं? I don't know, bro. गुजराती में तो क्या बोलते हैं? प्राणी बाता। ये पहले सीट में तो थी ये येलो, ये रेड। पहले ना बहुत सारे रेड नहीं है, वो ऑरेंज है। वो क्या बोलते हैं, पिंक जैसी है वो। बेबी पिंक, लाइट पिंक। बेबी पिंक, लाइट पिंक। बेबी पिंक, बेबी पिंक नहीं होता, होता है। पता नहीं ये नए नए कलर के नाम कहाँ से लाते। होते ही है वो। हाँ, तो वो लिपस्टिक के कलर के नाम होते हैं, वो इसमें नहीं चलते। मैं लिपस्टिक करती हूँ पहले, कभी तुमने देखा है? वो पता तो होता ही ना। मैंने को कभी देखा है तुमने लिपस्टिक लगाते? पता तो होता ही है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि लड़की मेकअप नहीं करती, उसको मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता होगा। पता होता है, लेकिन मैं कभी करती हूं लिपस्टिक। अभी अभी बस खत्म हो गई कन्वर्सेशन। ये दोनों अलग-अलग है, ये दोनों एक ही है, एक में से दो नहीं होते। इस नीन दोनों का बोलो। वो दोनों अलग-अलग है। ये रोज रेड है। हाँ, तो ये कलर कहाँ से आया? रोज रेड। हाँ, तो क्योंकि गुलाब लाल होता है इसलिए। हाँ, तो गुलाब तो बहुत कलर के होते हैं। तो ये रेड कलर के गुलाब होते हैं, उसमें से ये रोज रेड, ऐसा बोला मैं। ये बेबी पिंक कहाँ से आया? मैंने लाइट पिंक होते हैं होता है, ये बेबी पिंक क्या होता है मेरे को ये बोलो। क्या होता है मैं वो बोल रहा हूँ। बेबी पिंक होता है। कौन से किसका बेबी पिंक होता है? नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा पिंक है? बोलो या बोल रहे थे कुछ? आज से ना नवरात्रि शुरू हो। क्या है? आज है ना, आज से ना। अच्छा, आज से नवरात्रि शुरू हुई है क्या? आज से, सही तो बोला। ठीक है ठीक है, शुरू रखो। पता चलता नहीं हो रहा है बड़े। मुझे बोल, ऐसा बोला आज से ना। बोलो क्या? हाँ, तो मेरा और मम्मी का ना आज से नवरात्रि का व्रत भी शुरू हो गया। अगर हम एक साल रहते हैं ना नवरात्रि, तो फिर 9 साल तक रहना पड़ता। और यहाँ पे वो ढेल थी, उसके अंडे थे, वो कहाँ पे गए? वो तो बच्चे होके बड़े होके उठ भी गए। यार, मार तो कोई भी मार थी तो चोहा था इसमें। अंडे दो थे शायद वहां पर, पता नहीं। देखो तो ये देखो नारियल जो मैंने लिया, अभी नया रोग आना स्टार्ट हुआ है। एक तरह का वायरस नारियल जो का बोल दो, कीड़ा आता है वो नारियल को अंदर से खोखला कर देता है पूरा। ये देखो वहां तक ऊपर तक खोखला कर दिया इसने। ये भी एकदम अंदर से मतलब कि खोखली हो गई है नारियल। ये भी है, मैं दिखाता हूँ देखो। तो ये अंदर कीड़ा जाता है जो कि एकदम खराब कर देता है। तो ये जल्दी ठीक हो जाए, ये अभी तो ठीक क्या होगी, लेकिन गिर जाएगी अगर पूरा अंदर से खा गए होंगे तो। लेकिन अभी तो गिरेगी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड। क्या है अभी? आफ्टरनून है, इवनिंग है, क्या है? तुम सोचो क्या है अभी? आफ्टरनून, अभी आफ्टरनून भी नहीं है और इवनिंग भी नहीं है, दोनों के बीच का है। अच्छा, आफ्टर इवनिंग है। पूजा आई हुई है मेहमान गति में, अभी मैं कुछ किया नहीं है क्योंकि अभी मैं घी के पीछे बिजी हूँ कि मुझे गर्म करना है और फिर मैं आप लोगों को कुछ मेहमान गति करवाती हूँ। वैसे मैं लहंगा चोली थी तो वो देने के लिए आई है, और शायद पूजा लेने के लिए भी आई है, और कुछ देने के लिए भी आई है। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो सारे व्यूअर्स को हैप्पी नवरात्रि, है ना? और करण को पेट में ठीक हो गया, जो बहुत अच्छी बात है, और अभी ऐसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, कुछ नहीं होगा, एक बार अच्छे से दवाई हो जाएगी। तो शिव कहाँ बाहर चल रहा है या नहीं? कहाँ पर? वहाँ पर है। हाँ, अभी यहाँ पर चल रहा है देसी नाश्ता। पूजा पूजा क्या है? पर
ऊपर सीव के कपड़े चेंज हो रहे थे, कपड़े पूरे दिन चेंज होते रहते हैं ना। यहाँ पे खेलना है। कहाँ है सीव? जीसी कहता सीव जीसी। आई हो तुम? और तोरल का भी बहुत जल्द बेबी आने वाला है, उधर नहीं आ रहा मैं, मतलब कि अभी इस मंथ में आ जाएगा शायद, ये अक्टूबर में। तोरल तो भी यहाँ पर शिव खेल रहे हैं कमल और दोनों। शिव साइकिल है का है? शिव शर्मा गया, हर माई गो हर माई गो। यहाँ पर है सारी गाय जो दूध देती है, वो सारी यहाँ पर है और दूसरी बाहर है। यहाँ पर ये सारे छोटे बच्चे बाकी सारी गाय है यहाँ पर। मीरा ए मीरा मीरा यहाँ पर काम चल रहा है, दूध निकाल रहे गाय का। तो भी इस तरफ नवरात्रि का साउंड चेक हो रहा है बखरला में, यहाँ से पास में ही है तो यहाँ पर घर तक आवाज़ आ रही है उसकी। और अभी पूजा और बातें हुई है ऊपर, चनिया चोली कुछ पूजा को चाहिए थी तो वो ले रहे हैं। पूजा तरखा भी कर ले लो। तो अभी मैं और पूजा जा रहे हैं घर पे, तो कितने 7:30 बजने आए होंगे, तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि अभी नवरात्रि में भी जाना है, तो चलते हैं। शिव टाटा टाटा। तो भी सारे गायों को यहाँ पर चेंज कर लिया है। मीरू ओ मीरू ठीक हो तुम? अभी बाकी सारे गायों को भी घास डाल दिए तो वो सब खा रहे हैं। और यहाँ पर गोपली का बेटा ठीक हो तुम? आज बहुत तेज है, मतलब कि आज गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, बारिश आ सकती है फिर से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए सारी क्या है वहाँ पर चटाई को देखो कुछ हो रहा है। और अभी रक्षा तभी आई मम्मी को छोड़ने के लिए क्योंकि मम्मी गई थी मोटवाड़ा, क्योंकि आज बीज है इसलिए। चटायू ठीक हो? तोरी ए तोरी 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 कभी अभी पेट में देखो ऐसा लग रहा है कि बच्चा अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्यों तोरी? अभी तेरी तोरी को 4 महीने कंप्लीट होके 5वां महीना स्टार्ट हो गया है फर्स्ट डेट से, अभी 5 महीने और रुकना है हमें। चटायू का कोई भी भाई या बहन जो भी आएगा वो आ जाएगा, क्यों? थोड़ी क्या आँखें कितनी मस्त है। तो एक आँखों को देखने का ही मजा आता है। अभी मुझे भी जाना है मोटवाड़ा क्योंकि आज बीच है इसलिए, और मैं हर बीच को जाता हूँ या तो सुबह या तो शाम को, अभी ऐसे टाइम पे लेकिन जाता जरूर हूँ।
वहाँ पर लीलबाई माता जी का मंदिर है, वहाँ पर हर बीच को जाते हैं। तुम्हें क्या हो रहा है? मेरे भी पापा भी गए हैं पोरबंदर की को कुरियर करने के लिए, 2 kg की कुरियर करना था तो वो कर दिया। अभी शायद 1-1.5 kg होगा, फिर वो भी 1-2 दिन में कुरियर हो जाएगा। क्यों तो? और यहाँ पर ना ये ट्रॉली रखी है जिसमें कि जो भी यहाँ से तोरी चटाइयों के जगह से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है वो इसमें ही भर देते हैं ताकि उस तरफ लेके ना जाना पड़े। चटाई देखो इसे लंबा होके खड़ा होता है तब कैसे इसका लुक आता है। अभी थोड़ा सा गंदा है क्योंकि नहलाया नहीं है एक थोड़े दिनों से, मतलब कि 5-6 दिन से, क्योंकि मुझे भी पेट में दर्द हो रहा था इसलिए। लेकिन अभी 1-2 दिन बाद अच्छे से नहला दूंगी शायद, तो कल ही। तो भी हाँ बोल रहा है।